एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? प्रोकैरियोटिक सेल का। अब मैं बताता हूँ आपको यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। योगा डायग्राम किसका? यूकैरियोटिक सेल का। अब मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो ये है कि इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा लीनियर डीएनए पाया जाता है। अगला डिफरेंस है कि इसके पास में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास में कोई भी रिसेप्टर नहीं होते और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं लाइक स्टेरॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगला जो डिफरेंस है वो है कि
जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें हैप्लॉइड जीनोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें डिप्लॉइड जीनोम होता है। साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो वेरी करता है 0.5 to 100 माइक्रोमीटर। और जो साइज होता है यूकैरियोटिक सेल का वो वेरी करता है 100 to 150 माइक्रोमीटर। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो माइटोसिस के थ्रू होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। ये बात कर ली हमने डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।